आज है मकर संक्रांति, तो आज के दिन ना उत्तरायणी मेला होता है ये तो मार्केट में, और ये भी मेरे पीछे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:53, 1 बजने वाला है। तो अभी जा रहा हूँ मैं बैजरो, वहाँ घूमने का प्लान था सुबह से ही, मैं तो लेट ही रहता हूँ, तो आपको भी पता है। तो चलते हैं फिलहाल घूमते फिरते, और शाम का कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं किस तरीके से आना जाना होता है। वैसे ही हम लेट हो चुके हैं, उनको कुछ चाहिए क्या, उनको भी दे देते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों से। ये डर गया। क्या हुआ? उसे लगा कि मैंने दबा दिया उसे। इनको जरा बिस्कुट देते हैं, फिर चलते हैं फटाफट। इस समय पहुंच चुका हूं मैं सेरा घाट में। तो यहां पे सामने से जा रही है नदी वगैरह, और यहां पे कितना बढ़िया तरीके से काम किया गया है। तो ऊपर चल के देखते हैं एक बार। अब इन कमरों के बारे में पता नहीं है, पर यहाँ पे ना ताले वगैरह कुछ नहीं लगे, इसी वाले पे ताला लगा है। और ये शायद, जहाँ तक हमें लगता है, अगर जो कोई बाहर से आए तो वो कमरे उनके लिए रहने के लिए हैं शायद, अभी ये कंफर्म नहीं है। पर यहाँ पे ये है महादेव जी का मंदिर, बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे साफ सफाई होने के बाद, और ये पेंट वगैरह होने के बाद। तो ऊपर है सेरा घाट, और वहीं पर यह बस स्टैंड, बस यहाँ पे जो आप ये देख रहे होंगे। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं, 1:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, तो चलते हैं हम यहाँ से घूमते फिरते। तो ये जो बस स्टेशन है, इस जगह का नाम है डुमलोट घाट। तो यहाँ पे आने के लिए ना हमें काफी ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, और मेरे साथ में ये ऊपर दानियात की तरफ देख रहे होंगे ये वाली रोड, ये जा रही है यहाँ से सीधा चौखाल, उफरेखाल और जसपुर खाल, और इस साइड में सरायखेत, तो घूम के जाती है। और हमें जाना है बैजरो। आज मोटर गाड़ियों की, बसों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, शायद आज गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही, जो चलनी थी सुबह चल गई। इस समय टाइम होने वाला है 2 बजने वाले हैं, तो टाइम लग गया यहाँ पे आते भी। तो क्या करना, अब फटाफट से चलते हैं अपना घूमते फिरते पैदल ही, गाड़ियों के भरोसे यहाँ पे रहना बेकार ही है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे चल के ना एक मार्केट आती है, छोटी सी मार्केट है कनेरा करके, तो पहले वहाँ पर पहुँचा जाए। और 2-3 दुकानें हैं उधर, ज़्यादा नहीं है, फिर वहाँ से भी काफ़ी दूर है। और ऊपर ये सामने आप ये गांव देख रहे होंगे, ये है कनेरा गांव, इस साइड में भी है। तो यहाँ पे से 2-4 दुकानें शुरू हो जाती है इस साइड तक, और कुछ सामने देख रहे होंगे यहाँ पे भी 2-4 दुकानें हैं। और यहाँ पे आ रही है कॉमेंट्री करने की आवाज़, जो आप ये साइड में ये गाँव देख रहे होंगे वहाँ पर हो रहे हैं क्रिकेट मैच, तो उधर से ही जाना है, हमने रास्ता ही वही है हमारा। तो ये 2-4 दुकानें ही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे कनेरा में। फिर इसके बाद यहाँ से भी अभी काफ़ी दूर है बैजरो मार्केट। यहाँ पे सिलोली गांव पर तो महिलाओं के टूर्नामेंट, क्रिकेट मैच चल रहे हैं, आज से शुरू हुए हैं सिलोली गांव में। तो हम जाएंगे बैजरो, बढ़िया हो गया, टैक्सी मिल गई। तो ये है पुरानी बैजरो मार्केट, और मटेला नाम से भी जानी जाती है। और जो मेन बैजरो मार्केट है, जहाँ पर आज पूरी भीड़ होगी, वो ये वाली है। यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है बैजरो का इंटर कॉलेज यहाँ पे। तो आज काफ़ी भीड़ होने वाली है, और मंदिर की भी सजावट हो चुकी है, मंदिर भी बहुत ही बढ़िया से बनाया है। तो 1-2 हफ्ते पहले से यहाँ पे काम वगैरह चल रहा था मंदिर का, और आज काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो आज काफ़ी चहल पहल है बैजरो मार्केट में, हम लेट हो गए, 2 बजने वाले हैं शायद, 2 से ऊपर टाइम हो रहा है। पर हमारे साथ ही है भैजी, ये हैं ढोंड गांव के, और बैजरो में भी इनका अपना होटल वगैरह अपना काम है। तो आज ये आए थे फरसाड़ी गांव में, वहां पे महिलाओं के टूर्नामेंट क्रिकेट मैच चल रहे हैं, तो उनको छोड़ने आए थे स्पेशल, और अभी जा रहे हैं हम बैजरो। तो थोड़ा मेला वगैरह देखेंगे, और जिस हिसाब से हमारे पास टाइम बचेगा तो हम भी शायद सिलोली जाए उधर गेम देखने के लिए, क्रिकेट मैच। मार्केट में चहल पहल ज्यादा है, गाड़ियां तो खूब है, पर लोग मार्केट में दिखाई कम दे रहे हैं आज। तो बैजरो मार्केट में ना भीड़ कम कम ही है, पर जो यहाँ पे से नीचे जाते हैं गेट, यहाँ पे जय दरिया देवता का यहीं पे गेट है, और यहाँ से ना काफी भीड़ वगैरह दिखाई दे रही है, पर अब लोग दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं।
और आज ना मैं कह रहा हूँ कि सिलोली में जो क्रिकेट मैच चल रहा है, सारी जो भीड़ है, लेडीज महिलाएं वगैरह सब वहाँ पे जेंट्स क्रिकेट मैच देखने के लिए गए हैं सिलोली में। वहाँ पे 150 के लोग रहे होंगे क्योंकि महिलाओं के टूर्नामेंट चल रहे, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा भीड़ है, वहाँ की जगह यहाँ पे आज मंदिर में कम भीड़ है उस हिसाब से। तो नीचे चलते हैं और एक बार नीचे जाके हम सभी दर्शन करके फिर ऊपर आते हैं। और इस साइड की नदियों में काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो यहाँ पे ना आगे जाके दो नदियों का संगम है, एक इस साइड से आती है हमारी साइड की तरफ से और एक आती है थली सैंड की साइड की तरफ से। नदियों में भी कैसे बंदर भाग रहे, इधर इनको डर भी नहीं लग रही, खुजली कर रहा है वो बंदर। जब हम यहाँ पे एक हफ्ते पहले आए थे तो यहाँ पे ना काम चल रहा था मंदिर का, और अब कितना अच्छा बना दिया यहाँ पे इन्होंने, कितना प्यारा बना दिया। और बिल्कुल ही नदी के पास है ये मंदिर दरिया देवी, यहाँ बंदर भी भाग रहे हैं। ज़्यादा लोग नहीं आए, कम ही आए यहाँ पे। कुंड तोल्यू करके एक गांव है, तो वहाँ से ना यहाँ पे न्याजा आता है, वहीं के लोग हमेशा लेके आते हैं, तो हर साल भीड़ वगैरह रहती थी और अब जरा एक आध साल से भीड़ ये कम हो चुकी है। तो अब चलते हैं जरा मार्केट की तरफ, फिर चलेंगे शाम को घर की तरफ, अभी प्लान देखते हैं किस हिसाब से बनता है। तो आज चहल पहल जितनी होनी चाहिए थी यार, उतनी चहल पहल है नहीं मार्केट में, तो अभी पूजा चल रही है और ये चलेगी शाम तक। और यहाँ पे देखिए, अरे इनसे मिलिए, बहुत ही पुराने क्लाइंट है, जोगीमणी रोड पे चलते रहते थे और अब चल रहे हैं कोटदार रोड में, रामनगर सॉरी, अब पहले कोटदार पे थे ना, हाँ नहीं हाँ पहले ये वाली रोड थी अपने जोगीमणी बैजरो, उसके बाद कोटदार भी गए सीधा रामनगर, हाँ तो इनका नाम है संजय बंदोनी और ये रमेश भाई भी, ये तो आपको इधर ही दिखेंगे। तो अभी वहाँ पे लगा रहे हैं झूमे लो, तो इस साइड ये बोलते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग शब्द बोला जाता है, और कुछ भी बोला जाता है, चौफला है ये देखो, हाँ तो काफ़ी जगहों में ना उत्तराखंड के अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पे ये सब चौफला खेल रहे हैं महिलाएं, तो अब समापन की हो रही है ये भी मेला आज का, मार्केट तो खाली है पूरी, कोई है ही नहीं इधर, और आज का मेला भी ख़त्म हो चुका है, अभी चले गए सब अपने अपने घर पे, और नज़दीक के जो भी हैं वो कर रहे कीर्तन वगैरह, बाकी सब चले गए और अब हम भी चलते हैं अपने घर पे। अरे देने गए क्या मैं जी ने देखा,
हाल है भाई? और सब बढ़िया?